और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश दौरे के दूसरे दिन मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्व सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आयोजन किया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जनजातीय संग्रहालय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम का अवलोकन किया है। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति को प्रदेश के विभिन्न जनजातीय समूहों की जीवन शैली परंपराओं से अवगत करवाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत और उत्साह से भरता है। वह एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ी है। नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह सिद्ध कर दिया है। हमारी राष्ट्रपति जी किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुई, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुई, किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुई। एक साधारण गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और साधारण परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत से पढ़ाई की, लिखाई की, विरासत में कोई चीज नहीं मिली, अपने आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वो लगातार आगे बढ़ी। और देखो, कभी किसी ने लिखा होगा, नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बात गलत है, नारी सबला है। नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है और यह सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। हमारी राष्ट्रपति जी ने सिद्ध करके, और मैं बताना चाहता हूं, कई बहनें जानती होगी लेकिन आज मैं प्रेरणा मिले आपको, क्योंकि आप में से कई बहनें कई बार कहती हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी कितने मुसीबतों के पहाड़ जिंदगी में उनके ऊपर टूटे हैं।